हेलो फ्रेंड्स, UDCRA में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ओड्स कप की, जो कि ग्लामॉर्गन और ग्लूसेस्टर शायर्स के बीच में खेला जाएगा, जिसे ड्रीम इलेवन में लिखा आ रहा है। ग्ला वर्सेस ग्लो का मैच है। मैं आपको बता दूं कि ये सेवन्थ मैच है इंग्लिश ODI कप का। ये साउथ ग्रुप का मैच है फ्रेंड्स। मैंने काफ़ी डिटेल्स में इस पर स्टडी की है और मैंने एक काफ़ी प्राइम टीम के नोट्स तैयार किए हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपने अगले मैच की वीडियोस बनाऊँ, आपको साथ के साथ वो नोटिफिकेशन में शो हो जाए। इसीलिए आप बेल आइकन को भी टिक कर लेना, जिससे कि आपको साथ में ही नोटिफिकेशन में शो हो जाए और आप सबसे पहले अपनी टीम को सेट कर सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अभी नोट्स में लेके चलता हूँ। जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ग्लैमॉर्गन और ग्लूसेस्टर शायर्स के बीच में साउथ ग्रुप का मैच है। अगर मैच का वेन्यू देखा जाए तो ये सोफिया गार्डन में खेला जाएगा, जो कि कार्डिफ में है। तो एवरेज सा ये ग्राउंड है फ्रेंड्स, ज़्यादा इसमें स्कोर नहीं बनेंगे। अब दोनों टीमों की अगर प्रोबेबल इलेवन देखी जाए, तो ग्लैमॉर्गन का अगर देखा जाएगा, क्रिस कुक इनके कीपिंग करेंगे, जबकि शॉन मार्श ओपनिंग आएंगे कोलिन इनग्राम के साथ। फिर किरण कैरलसन आएंगे, जैक मर्फी आएंगे, डेविड लॉयड आएंगे, मर्चेंट डील आएंगे, माइकल हॉगन और एंड्रू स्लेटर इनके बॉलिंग में हमारे लिए चॉइस रहेगी, जिन्हें हम ड्रीम इलेवन में पिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो बॉलिंग में अगर हम बात सॉरी ग्लूसेस्टर शायर की टीम की अगर बात करें, तो ग्रेथ रॉड्रिक इनके विकेट कीपिंग करेंगे, माइकल क्लिंगर ओपनिंग करेंगे, कॉकबेन आएंगे, फिर जैक टेलर आएंगे, क्रिस डेंट है, बेनी होवेल सबको पता है एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है, क्रिस लिडल और मैट टेलर इनके बॉलर हैं फ्रेंड्स। तो ये तो हुई इनकी प्लेइंग इलेवन की बात। अब मैंने फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत करके इनमें से ही कुछ प्लेयर्स को मैंने इनका बायोडाटा वगैरह सब कुछ चेक किया, क्या इनकी फॉर्म चल रही है रिसेंट, सब मिला जुला कर मैंने टीम बनाई है और इसमें मैंने कप्तान वाइस कप्तान भी आपको बताया है। तो मैं आपको ड्रीम इलेवन की टीम में लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक टीम बनाई है, जिसे आप जिस मर्जी लीग में लगाएं आपको ये अच्छे पॉइंट्स देके जाएगी। क्रिस कुकी हमारे लिए कीपिंग में ठीक रहेंगे, शॉन मार्च, इनग्राम, क्लिंगर, कॉकमैन, हमें सभी टॉप के प्लेयर्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे। आप डेंट को भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको चॉइस बता दिया है इलेवंस की, कौन कौन प्लेयर खेल रहे हैं, आप उनमें से अपनी टीम सेट कर सकते हैं अगर चाहे। बेनी होवेल और डेविड लॉयड हमारे लिए बेस्ट रहेंगे, मर्चेंट डी लेंगे, माइकल हॉगन भी खेल रहे हैं, टीम वेटर गुटन नहीं खेल रहे हैं तो आप इन्हें मत लीजिए, एंड्रू स्लेटर खेल रहे हैं, लिडल खेल रहे हैं, इनसे आप प्लेयर्स अपनी टीम बना सकते हैं। कप्तान वाइस कप्तान अगर देखा जाए, आपके पास ऑप्शन है क्रिस कुक को आप बना सकते हैं, इंग्राम को बना सकते हैं, मार्च को बना सकते हैं, माइकल क्लिंगर को आप बना सकते हैं, कॉकबेन को बना सकते हैं, लॉयड को बना सकते हैं, बेनी होवेल को भी बना सकते हैं और मर्चेंट डीलेंगे को बना सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी यहाँ पे एक मैच विनर प्लेयर्स, आप जिसे चाहे उसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मार्श और डेविड लॉयड को बनाया है। मैं आपको एक बात पर फ्रेंड्स बता दूँ, 10,000 से 20,000 पीपल मेरी टीम फॉलो करते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप कप्तान वाइस कप्तान ज़रूर चेंज करना है, ताकि आपकी टीम यूनिक रहे। तो फ्रेंड्स, इन द एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं, सजेशन ज़रूर देना, और वीडियो के अंत में मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।